सो व्हाट्स अप गेमर्स, क्या हाल है सभी का। सो गाइस फाइनली यहाँ पर आपका गेम के अंदर रैंक अरेना फिर से यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या इसके रिवॉर्ड्स होने वाले हैं, तो पूरा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर रैंक अरेना पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इसके रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सो गाइस जैसे मतलब कि नॉर्मल जैसे मतलब कि आपके होता है ना ब्रॉन्ज, फिर आती है सिल्वर, फिर आती है गोल्ड, उसके बाद यहाँ पर प्लेटिनियम, उसके बाद यहाँ पर डायमंड, उसके बाद यहाँ पर क्राउन, फिर एस आती है। तो इस तरीके यहाँ पर मतलब कि इसके अंदर एस तक है। तो एस मास्टर और कॉन्करर वगैरह इसमें कुछ नहीं है। तो एस को आप इसके अंदर यहाँ पर कॉन्करर मान सकते हो, क्योंकि एस करना काफ़ी हार्ड इसमें होने वाला है, क्योंकि काफ़ी हार्ड हार्ड बंदे यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली मतलब कि जैसे आप TDM खेलते हो ना, उसी तरीके यहाँ पर आपको TDM ही खेलना है इसके अंदर। तो उसके अंदर यहाँ पर अगर यहाँ पर आप गोल्ड पहुँच जाओगे, यहाँ पर आपको एक क्लासिक किट मिल जाएगा। उसके बाद गाइस अगर यहाँ पर आप डायमंड पहुँच जाते हो ना इसके अंदर, तो डायमंड में यहाँ पर आपको एक मतलब कि अवतार मिल जाएगा, सोक्ट करके इसका नाम होने वाला है। और गाइस जैसे यहाँ पर आप मतलब कि टॉप 1000 के अंदर पहुँच जाते हो, जब तक यहाँ पर मतलब कि ये इवेंट चल रहा है, तो देख सकते हो इसका टाइम पीरियड तो आज से स्टार्ट है और यहाँ पर मतलब कि जुलाई की यहाँ पर 10 तक यहाँ पर चलने वाला है। तो यहाँ पर आपको 10 जुलाई तक यहाँ पर टॉप 1000 के अंदर रहना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर मतलब कि अरेना एंड होता है ना, तो उसके 3 घंटे बाद यहाँ पर आपको टाइटल मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर टॉप 1000 के अंदर रहोगे। तो यहाँ पर काफ़ी हार्ड यहाँ पर टाइटल होने वाला है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे बंदे खेलते हैं यहाँ पर, जो कि मतलब कि 1000 के लिए यहाँ पर खेलेंगे। और पबजी वाले में तो और भी हार्ड होने वाला है, क्योंकि उसमें पूरे ग्लोबल के बंदे आते हैं, तो उसमें से मतलब कि टॉप 1000 आना तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में इजी है, तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिसको ये वाला टाइटल यहाँ पर चाहिए होगा। तो मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूँगा, अगर मेरा टॉप 1000 में आता है तो ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक है। तो नहीं आएगा तो हम यहाँ पर कोई और टाइटल यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर लगे कि ये वाला टाइटल मेरे हिसाब से यहाँ पर मिथिक होता तब भी यहाँ पर चलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है यहाँ पर टॉप 1000 के अंदर आना पूरे इंडिया के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे होंगे यहाँ पर जो खेलेंगे। तो काफ़ी मतलब कि यूनिक टाइटल होने वाला है, क्योंकि साइज मतलब कि दूसरी बार यहाँ पर आपको चांस मिल रहा है टाइटल लेने का। और गैस एक और बात बता दें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कोई भी मतलब कि मैप सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसमें से मतलब कि आपको कोई भी यहाँ पर अरीना आपको खेलने को मिल सकता है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो बंदा मतलब कि टॉप 1000 में रहेगा ना, तो उसको मतलब कि सारे अरीना का यहाँ पर मास्टर होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर टॉप 1000 के अंदर पहुंचेगा। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर अभी वेयर हाउस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर मैंने नॉर्मल स्टार्ट किया था, तो वेयर हाउस या फिर मतलब कि दूसरा यहाँ पर कोई भी TDM आ सकता था, लाइब्रेरी वाला भी आ सकता था। और यहाँ पर जो डोमिनेटर होता है ना, जिसके अंदर आपको बेस होल्ड करना होता है, तो उसमें बेस होल्ड नहीं करना होगा, तो उसमें भी यहाँ पर आपको किल्स वगैरह करने पड़ेंगे। तो जैसे आप मतलब कि विंस करते रहोगे, तो आपको मतलब कि ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर प्लस होते रहेंगे। उस साइज से अगर यहाँ पर आप हार जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको माइनस भी लग सकता है। तो कम माइनस लगने के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर किल्स करने पड़ेंगे, ज़्यादा किल्स करोगे यहाँ पर आपका कम माइनस लगेगा। और अगर यहाँ पर आप जीतते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्लस मिल जाएंगे। और गाइस यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको कोई भी अच्छा सा अच्छा यहाँ पर वेपन ले लेना, जैसे कि यहाँ पर ग्रोजा हुई, क्योंकि अगर यहाँ पर आप M4 से मारने बैठोगे, सामने वाला बंदा ग्रोजा निकाल के कभी भी आ जाएगा और यहाँ पर आपको किल कर देगा। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके पास भी ग्रोजा होनी चाहिए, और यहाँ पर आप मतलब कि ग्रोजा UMP ले सकते हो या फिर MPK5 ले सकते हो। MPK5 भी मतलब कि बेस्ट वेपन लगती है मेरे को क्लोज रेंज के अंदर, TDM के अंदर, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ UMP की जगह। तो आप नॉर्मली यहाँ पर शुरू में तो M4 वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसके बाद अगर यहाँ पर आपको लगता है अगर यहाँ पर आप जीत नहीं पाओगे, तो यहाँ पर आप मतलब कि ग्रोजा वगैरह निकाल सकते हो, क्योंकि मतलब कि बंदे भी यहाँ पर देखना कि ग्रोजा लेके आएंगे इसके अंदर। तो शुरू शुरू में यहाँ पर हो सकता है बंदे कुछ भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं, तो बाद में तो यहाँ पर बंदे मतलब कि ग्रोजा या फिर कुछ खतरनाक गन वगैरह यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप मतलब कि शॉर्ट गन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताऊँ, तो शॉर्ट गन में काफ़ी मस्त होती है यहाँ पर, तो आप पे डिपेंड करता है आपको कोई मतलब कि कौन सी वेपन यहाँ पर यूज़ करना है। तो अच्छी से अच्छी यहाँ पर आप जिसमें मतलब कि मास्टर हो उस वेपन को चलाने में, तो वो चीज़ यहाँ पर ले लेना आप। और ग्रोजा तो यहाँ पर आप सबके यहाँ पर फेवरेट होगी चाहिए, क्योंकि सब बंदों के यहाँ पर ग्रोजा तो पसंद होती है, सब बंदे यहाँ पर ग्रोजा चला लेते हैं अच्छे से। उसके अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बोलूँगा, आप यहाँ पर लगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने का, तो फ्रेंड्स के साथ खेलोगे यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, जिससे आप मतलब किल्स वगैरह यहाँ पर निकाल लोगे। अगर यहाँ पर आपको किल भी नहीं होते हैं, तो आपके फ्रेंड्स आपको मतलब किल्स वगैरह भी दे देंगे, और रेंडम से ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ जीतना, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर खेल लेना। तो यहाँ पर आप किसी भी मतलब की लेवल की फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, किसी भी वो टीयर में हो, ब्रॉन्च में हो या फिर एस मास्टर वगैरह में हो, तो उसके बाद भी यहाँ पर आप खेल सकते हो। तो उससे मतलब कि कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा इन्होंने।
उसके अलावा जैसे यहाँ पर आप धीरे धीरे यहाँ पर रैंक बूस्ट करते रहोगे ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको धीरे धीरे हार्ड बंदे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका भी लेवल मतलब कि हाई रहेगा तो उनका भी यहाँ पर लेवल हाई आता रहेगा धीरे धीरे करके। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका गेम प्ले भी यहाँ पर इम्प्रूव होता रहेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर हार्ड बंदे आएंगे आपके सामने तो आपको भी उनके सामने अच्छे से खेलना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर आप विक्ट्री कर पाओगे। तो विक्ट्री करने पर यहाँ पर आपको प्लस मिलने वाले हैं, तो अगर यहाँ पर आप हार जाते हो यहाँ पर आपको माइनस भी लगने वाले हैं। उसके अलावा वैसे यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर आपका क्लैन बैटल का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर चालू हो चुका है। अगर यहाँ पर आप लीडर या को लीडर हो तो यहाँ पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, तो 5 डे के अंदर यहाँ पर आपका क्लैन बैटल स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवॉर्ड्स में कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं, तो पेड सूट यहाँ पर सेम होने वाला है, बट यहाँ पर आपको पता हो यहाँ पर आपको क्लासिक किट मिलता था, बट यहाँ पर आपको प्रीमियम किट मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्लैन बैटल इतनी खास तो मेरे को लगती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि पेड सूट वगैरह मतलब कि हर बार यहाँ पर सेम टू सेम देते रहते हैं, तो जिसको यहाँ पर आप डिसमेंटल करके 100 यहाँ पर जो सिल्वर करेंसी होती है यहाँ पर वो बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर मतलब कुछ खास रिवॉर्ड्स यहाँ पर नहीं देते हैं, तो आउटफिट वगैरह देते कुछ यूनिक से तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो सारे बंदे ट्राई करते हैं यहाँ पर जीतने का, तो उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो तो बस यही दिखी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।